हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साइबा। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घर में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक अलग टॉपिक। और सॉरी गाइस, मैंने इतने दिन से वीडियो पोस्ट नहीं की है, बहुत लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी भी था और आपके लिए ये वाली वीडियो लाना ज़रूरी भी था। और ये मैं इसलिए लेट हुई वीडियो पोस्ट करने में क्योंकि मैंने इसको जो भी मैं आप साथ में शेयर कर रही हूँ ना, वो ऑलरेडी मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया है, उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि गाइस, कोई भी चीज़ होती है, सबसे पहले मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर मुझे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे लॉरियल क्रिस्टल माइक्रो एसेंस के बारे में। आप लोगों ने ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोज़ देख ली होंगी उसके बारे में कि वो कैसा है, आपको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बोलने वाली हूँ कि आपको वो नहीं खरीदना है। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि आपको लॉरियल क्रिस्टल एसेंस माइक्रो एसेंस नहीं खरीदना है। उसका रीज़न मैं आपको दूंगी आगे। जब आपका माइक्रो एसेंस घर में ही बनकर रेडी हो जाएगा तो आपको क्या जरूरत है मार्केट वाला खरीदने की? मतलब इतना पैसे वेस्ट क्यों करना? हम उसको घर में ही बनाएंगे और घर के ही वाले के जो माइक्रो एसेंस के बेनिफिट होंगे ना, वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे और आपके फेस के लिए बेनिफिशियल भी होंगे और फॉर ऑल स्किन टाइप्स भी होंगे। और गाइज, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बिल्कुल वैसा ही माइक्रो एसेंस आप घर पर तैयार कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे माइक्रो एसेंस कैसे बना सकते हो और उसके रिजल्ट भी आपके काफ़ी अच्छे होंगे क्योंकि पर्सनली मैंने उसको खुद यूज़ किया है। तो यहाँ पर है हमारा DIY माइक्रो एसेंस जो कि मैंने इस बॉटल में कैरी किया है, इस बॉटल में इसको डाला है और काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है आपकी स्किन के ऊपर। हाँ जी, तो यहाँ पर जो हमारा DIY लॉरियल क्रिस्टल माइक्रो एसेंस जो हमें बनाना है, वो हमें किससे बनाना है? वो हमें उसके लिए लेना है यहाँ पर एक गाजर, यानी कि एक कैरेट हमें लेनी है, साथ में आपको ले लेने हैं दो टमाटर, और मतलब फ्रेशली टमाटर होने चाहिए, नॉर्मल जो आपके पास है, थोड़े से प्लम्प मतलब टाइट होने चाहिए और ज़्यादा टाइट वाले टमाटर आप ना लें। और उसके बाद हम इसे बनाने वाले हैं अपना ये DIY माइक्रो एसेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैंने कैरेट क्यों ली है, तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। और मैंने यहाँ पे टमाटो का यूज़ क्यों किया है उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपको जो गाजर का यहाँ पे कैरेट का जो पील ऑफ है वो सारा निकाल देना है, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है इसको, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको आपको छोटे छोटे पीसेज में इस तरीके से आपको कट करना है। और एक गाजर हमारे लिए बहुत होगी क्योंकि हमें ज़्यादा एसेंस तो बनाना नहीं है, नॉर्मल बनाना है। अगर आप गाजर नहीं यूज़ कर सकते हो तो इसकी जगह पर आप पालक का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने यहाँ पे गाजर का यूज़ क्यों किया है। बेसिकली गाजर में हमें क्या होता है कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके फेस को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है, विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। देन सेकेंड, हम यहाँ पर टमाटो का यूज़ करेंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा या ख़राब पार्ट होगा वो सारा कुछ हमें निकाल देना है क्योंकि उसके बाद हमें इसका एक एसेंस बनाना है। तो जो भी वेस्ट होगा वो सारा कुछ मैं यहाँ पे निकाल दूंगी। कुछ इस तरीके से आपको भी इसको कट कर लेना है। उसके बाद हमें इसको डालना है एक जार में जो कि ब्लेंडिंग जार होने वाला है, और सारा जो है इसमें आपको डाल देना है कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे जो ये टमाटर है वो क्यों इस्तेमाल किया है? हमने यहाँ पे टमाटो इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये आपको हेल्प करता है आपके फेस पे जो भी एक्ने होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, और जितने भी आपके फेस पे डार्क स्पॉट वगैरह हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। बेसिकली इसमें टमाटो में आपको मिलता है सैलिसाइक्लिक एसिड जो कि आपका लॉरियल एसेंस में भी काफ़ी मात्रा में यूज़ किया गया है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा, जो भी एक्ने या कुछ भी आपके फेस पे डार्क स्पॉट वगैरह होंगे उसको भी लाइट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब ये दोनों चीज़ें जार में डालने के बाद आपको इसके बाद में इसमें ऐड करना है एक और चीज़ जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देगा और बेनिफिशियल बना देगा आपके माइक्रो एसेंस को। तो उसके लिए यहाँ पे आपको यूज़ करना है कुकुम्बर टोनर। मैं बेसिकली यहाँ पे कुकुम्बर टोनर लूँगी गुड वाइब्स का, जो कि ऑलरेडी ये नो अल्कोहल, नो पैराबेंस, नो सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट इसके आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है और मैं इसको यूज़ भी करती हूँ पर्सनली भी। आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो आराम से, बट अगर आप कुकुम्बर टोनर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल आप पानी को उबालना, उसको ठंडा करना, उसके बाद आपको उसमें जार में डालना है। तो यहाँ पर आपको जो यूज़ करना है वो कुकुम्बर टोनर यूज़ करना है। सेम आप जार में डाल सकते हो इसको ओपन करके, और ताकि ये जो हमारा है माइक्रो एसेंस काफ़ी अच्छे एक टोनर की क्वांटिटी में बन जाए। और मैं इसमें ये जो टोनर है कुछ इतनी मात्रा में ऐड कर दूँगी। हमने यहाँ पे जो है अपना कुकुम्बर टोनर ऐड कर दिया है, उसके बाद हमें इसको क्या करना है, ब्लेंड 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 करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस कंसिस्टेंसी में आपको इसको लेकर आना है। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे जो है इसको जो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ब्लेंड होके आया है, और ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आपको भी लेकर आना है। और थोड़ा सा और टोनर में हम इसको ऐड कर देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल हो जाएगी। तो पहले हमें इसको क्या करना है, हमें इसको स्ट्रेन करना है, मीन्स कि एक आपको छन्नी ले लेनी है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें आपको इसको छान लेना है, यानी कि जो भी इसमें हार्ड पार्टिकल्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाए, क्योंकि हमें एक माइक्रो एसेंस चाहिए नॉर्मल एक टोनर की तरह। तो आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से आपको छान लेना है, जो भी इसकी कंसिस्टेंसी है उस हिसाब से आपको इसको अच्छे से इसका जो है टोनर जो है वो निकाल लेना है। ऑलराइट गाइज, मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और कुछ इस तरीके की आपको कंसिस्टेंसी इसकी देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे अलग से जो भी इसका हार्ड ये चीज़ बची थी ना, आप इसका यूज़ भी कर सकते हो कि आप इसको एज अ फेस मास्क लगा सकते हो, क्योंकि मेहनत कर रहे हो यार, इसको वेस्ट नहीं जाने देना, तो आप इसको एज अ फेस मास्क लगा सकते हो जो भी इसका ये गूदा टाइप बचा है उसको। और उसके बाद ये जो हमने जो बनाया है, अब इसमें क्या ऐड करना है हमें, अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आपको यूज़ करना है कोकुम्बर टोनर, जो कि हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं, बट इसको और थोड़ा कंसिस्टेंसी में अच्छे से लाने के लिए हम इसमें और कोकुम्बर टोनर ऐड करेंगे। अब हम कोकुम्बर टोनर यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हम यहाँ पे कोकुम्बर टोनर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, कोकुम्बर में आपका जो होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपकी स्किन इरिटेशन होती है या फिर रेडनेस होती है या फिर पफी आइज होती है या फिर आपको प्रॉब्लम है अपने आइज़ के नीचे डार्क सर्कल है, उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। और बेसिकली ये आपको ग्लोइंग स्किन तो देता है, क्योंकि ये ग्लो टोनर है, ऑलरेडी ये मेंशन होता है कि ये ग्लो टोनर है, तो कोकुम्बर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और बाकी स्किन टाइप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और ग्लो भी आपको प्रोवाइड करता है। और आपको ऐसे ही कोकुम्बर टोनर यूज़ करना है जो कि पैराबिन फ्री हो और सल्फेट फ्री हो, क्रुएल्टी फ्री हो, नो अल्कोहल हो, वही आपको टोनर जो है इस्तेमाल करना है। और इसमें मेंशन भी है कि इसमें क्या है कि आपको कोकुम्बर टोनर ग्लोइंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है, साथ में ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, काफ़ी अच्छा है, और आपके फेस का जो पीएच बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपके पोर्स को टाइटन अप करता है। एक कोकुम्बर टोनर के ना मतलब आपको हज़ारों फायदे मिलने वाले हैं, तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करना है, ज़रूर से आपको कोकुम्बर टोनर इस्तेमाल करना है। और मैंने इसका अल्टरनेटिव आपको बता ही दिया कि अगर कोकुम्बर टोनर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हो। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो हम है अपना कोकुम्बर टोनर इसमें ऐड कर लेंगे, जो भी हमारा कोकुम्बर टोनर यहाँ पे बचा है मैं सारा ही ऐड कर रही हूँ, कि हम इसका एक माइक्रो एसेंस बनाने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स हम इसको यूज़ करेंगे और काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट भी देगा ये, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है गुड वाइब्स का रोज हिप ऑयल, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग। ये एक ग्लो सीरम है, रेडिएंट ग्लो सीरम है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है आपकी स्किन के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप कोई भी विटामिन सी सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें ऐड करके, ये काफ़ी अच्छा है फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक या दो ड्रॉप इसमें से ऐड करेंगे, प्लस मैं एक और सीरम इसमें ऐड करने वाली हूँ जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, वो है यहाँ पर ये विटामिन सी एंड B3 सीरम, ये भी स्किन ग्लो सीरम है, काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा आपके स्किन को ग्लो लाने में। और सैलिक साइक्लिक एसिड वाले हमने जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो ऑलरेडी हमने इसमें मिक्स कर दिए। राइट गाइज, उसके बाद ही हमारा रेडी हो चुका है और इसको आपको ट्रांसफ़र करना है किसी एक बॉटल में, और कोई भी आप स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि जो भी इसमें और हार्श एजेस टाइप होंगे वो सारे निकल जाएं। और राइट गाइज, हमारा जो माइक्रो एसेंस है वो बनके रेडी है और आपकी स्किन पे बहुत अच्छा से ये ग्लो प्रोवाइड करने वाला है। और राइट गाइज, उसके बाद मैं आपको इसी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। मैंने तो नॉर्मल इसी में ही ये कर लिया था कोकुम्बर टोनर का, जो मेरा स्प्रे बॉटल है उसी में ही। उसके बाद आपको इसको अपने फेस के ऊपर अच्छे से स्प्रे करना है और बिल्कुल वाटरी फॉर्म में है, आपके फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में और आपको काफ़ी अच्छी ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करेगा, काफ़ी सॉफ्ट सफल स्किन आपकी बना देगा ये। बहुत लाइट वेट फार्मूला इसका है, काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन पे ये ग्लो लेकर आएगा। मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लगा, क्यों आपको पैसे खर्च करने, जब आपका घर में ही काम हो जाएगा बहुत अच्छे से, आपको ग्लोइंग स्किन भी प्रोवाइड हो जाएगी, क्यों आपको 200, 300 या फिर 800, 900 रुपए खर्च करने हैं बाहर के मार्केट वाला यूज़ करके। और ये आप घर में खुद से बनाओगे और आपके स्किन के अकॉर्डिंग इसमें इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे और नेचुरल इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको 2 से 3 मिनट भी मसाज नहीं करनी, ओनली 60 सेकेंड आपको मसाज करनी है, 1 मिनट नॉर्मल, उसके बाद आपकी स्किन में ये काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा।
और राइट गाइज, हमारा जो DIY माइक्रो एसेंस बन के रेडी है और आपका ये बॉटल में है, और आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, अपने इसको मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको फ्रेशनेस फील नहीं हो रही है समर्स में, आपके बहुत अच्छे से काम आएगा। स्किन केयर में आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और रोज़ इस्तेमाल करोगे ना आप, 2 या 3 बार तो आप इस्तेमाल कर सकते हो आराम से, और काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाता है। मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने मेकअप के ऊपर, एंड सी द फ्रेशनेस गाइस। ये आपके फेस के ऊपर ना बहुत अच्छे से ग्लो प्रोवाइड करता है, आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और ये माइक्रो एसेंस ना सच में आपके फेस के ऊपर ग्लो लाने में हेल्प करेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी और चीज़ें भी करनी पड़ेगी, आपको स्किन केयर भी अपना अच्छा रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रोडक्ट आप लगा के बिल्कुल आपका जो स्किन है बिल्कुल ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन के ऊपर, या फिर ऐसा कुछ है, आपको स्किन केयर भी बहुत अच्छे से करना होता है, उसका भी आपको ख्याल रखना होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी, और आपको जो मेरा ये DIY माइक्रो एसेंस है वो पसंद आया हो, उसका बनाने का तरीका पसंद आया हो। तो अगर आया हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, स्टाइल विद साइबा, वो बिल्कुल फ्री है गाइस। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।